मुश्किल में फंसे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली शराब घोटाले केस में ईडी दाखिल करेगी चार्जशीट। ईडी की चार्जशीट में होगा अरविंद केजरीवाल का नाम। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। इस केस में अब एक नया मोड़ आ गया है जो कि अरविंद केजरीवाल की मुसीबत को और भी बढ़ा सकता है, क्योंकि ईडी ने अब इस केस में एक नया एक्शन लिया है, वो है चार्जशीट। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में ईडी शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि ऐसा पहली बार होगा जब इस मामले की चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम होगा। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी हैं कि केजरीवाल का नाम इस चार्जशीट में सरगना के रूप में होगा, यानी कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में ईडी अपनी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को किंग पिन के रूप में पेश करने वाली है। सवाल ये है कि ईडी आखिर ऐसा क्यों करने जा रही है। दरअसल इस बारे में ईडी का दावा है कि उसने दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में मनी ट्रोल का पता लगा लिया है। सबसे अहम बात यह है कि ईडी अपनी चार्जशीट उस वक्त दाखिल करने जा रही है जबकि उम्मीद है कि शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई हो सकती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हो चुकी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील से पूछा था कि वो ईडी के 9 समन को क्यों टाल गए थे, जिस पर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया था कि जब सीबीआई ने बुलाया था वो गए थे। वहीं ईडी की नोटिस का उन्होंने डिटेल में भी जवाब दिया था। साथ ही सिंघवी ने यह भी दलील दी थी कि ईडी कार्यालय में जाना या फिर ना जाना, इस पर फैसला लेना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन गिरफ्तारी का आधार ये नहीं हो सकता है। साथ ही ईडी ने गिरफ्तारी से पहले पीएमएलए की धारा 50 के तहत केजरीवाल का बयान भी दर्ज नहीं किया था। सिंघवी ने याद दिलाया कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ था। गौरतलब है कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को अरेस्ट किया था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत की याचिका डाली थी। उसके बाद जब दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत की याचिका खारिज कर दी थी, तब केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां सुनवाई तो हुई और ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को जमानत दे देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच जमानत याचिका पर बिना कुछ फैसला सुनाए ही उठ गई थी, जिसके बाद अब उम्मीद है कि शुक्रवार को ही एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। वहीं ईडी भी चार्जशीट शुक्रवार को ही दाखिल करने वाली है। ऐसे में अब शुक्रवार का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद अहम है। इंतजार इस बात का है कि शुक्रवार को क्या होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।